सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर गांव बड़े स्थित काली माता मंदिर के सामने वाहन की टक्कर से बुलेट बाइक सवार दो साथियों की मौत हो गई। दोनों साथी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी में काम करते थे। सूचना के बाद पहुंची बड़ी थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पानीपत के गांव महटी निवासी दीपक ने बड़ी थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई प्रवीण और गांव के ही दीपक सोनीपत में फ्लिपकार्ट में काम करते थे। उनके भाई प्रवीण बुलेट बाइक लेकर ड्यूटी पर गए थे। रविवार आधी रात को प्रवीण और उनके साथी दीपक बुलेट बाइक पर सवार होकर सोनीपत से गांव मोहटी आ रहे थे। जब वो बड़ी स्थित काली माता मंदिर के पास सामने पहुंचे तो उनकी बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रात को दो लड़के थे, ये सोनीपत फ्लिपकार्ट में नौकरी करते थे। इसे रोजाना माउटी गांव ही इनका, और रात करीबन 12 बजे वापस अपने गांव जा रहे थे। तो काली माता मंदिर है बड़ी गांव में, उसके सामने जीटी रोड पे कोई अज्ञात व्हीकल ने उसकी टक्कर मार दी और वे एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए। तो हमारे जो आई मौके पर पहुँचे तो उनको जो पता किया तो उनके जो आईडी वगैरह चेंज से पता लगा उसके घरवालों का, तो उनको बुला के शनाख्त की गई। तो इसमें शनाख्त में एक जो मोटरसाइकिल चला रहा था, बुलेट मोटरसाइकिल ही, प्रवीण सन्नोप सूरज है इसकी बाइक है, और पीछे बैठा ये इसी के गांव का है, इसका पड़ोसी है, जो दोनों इकट्ठे फ्लिपकार्ट में नौकरी करने जाते थे। तकरीबन रात देर रात आते थे वापस। तो कल जो है दोनों की शनाख्त होने के बाद परिजन आ गए थे, तो उनकी स्टेटमेंट ले उससे FIR दर्ज कर दिया गया था वहाँ के खिलाफ। और अब रात को ही काफ़ी कोशिश की, फुटेज वगैरह देखी हमने, टोल पे भी चेक किया, तो रात के कारण इतना स्पष्ट पता नहीं लग पाया। तो अब फिर कोशिश कर रहे हैं, आज पोस्टमार्टम करा के और फिर जीटी रोड के जितने भी CCTV कैमरा थे सभी को चेक करके व्हीकल का पता लगा रहे हैं। पूरा प्रयास करेंगे इसको ट्रेस आउट करने का।